गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथड्स बच्चों विच वी यूज फॉर चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। ओके, द फर्स्ट वन इज द इंडक्शन, द सेकेंड वन इज कंडक्शन, एंड द थर्ड वन इज फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शनल मैथड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन। ओके, ऑल ऑफ देम। द फर्स्ट मैथड जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। मैं ऑलरेडी आपको कई प्रीवियस क्लासेस सेशन में पढ़ा चुका हूँ कि फ्रिक्शन क्या होता है। वेन एवर टू सर्फेस कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड स्लाइड ओवर वन अदर, देन वॉट हैपन्स, द अपोजिंग फोर्स विच एक्ट ऑन द अदर सर्फेस इज नोन एज फ्रिक्शन। ओके, जो अपोजिंग फोर्स होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स होता है। तो बच्चों यहाँ पर जब भी दो सर्फेसिस को रब किया जाता है तो एक अपोजिंग फोर्स जो काम करता है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। तो बच्चों जब भी हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स में जब हम क्या हम जब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करते हैं, तो जब हम दो डिफरेंट तरह के सरफेस को बच्चों रब करते हैं, तो क्या होता है आपका, कि देर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इज इट क्लियर? तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो बच्चों कोई भी चीज मूव करती है जब उस पर कोई वर्क किया जाता है। अभी हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। ओके, वी आर रबिंग द टू सर्फेसिस, एंड वेन वी रब द टू सर्फेसिस वट हैपन्स, दैट मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर जो फ्रिक्शन ने क्या किया कि जो मैकेनिकल वर्क हमने फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए किया था, वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। होता क्या है इसमें, एक एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एंड इन दिस वे वी डेवलप द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑन बोथ द बॉडीज। तो एक जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी एफिनिटी होती है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनको बहुत पसंद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बहुत तेजी से दूसरे मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। तो इसलिए हमें ये, जब भी हम फ्रिक्शन करते हैं दो डिफरेंट तरीके सरफेस के बीच में, तो हमें ये चीजें मिलती हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हमें डेवलप होते हैं दोनों के दोनों उसमें, और इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? तो बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं, ड्राइंग क्लॉथ इन द ड्रायर एंड वेन वी रब ए बैलून ऑन योर हेयर्स। ओके, तो हम मैंने एक प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाया था कि जब हम बालों से अपने हेयर्स को रब कर रहे थे, तो हेयर्स पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहे थे और बैलून क्या हो जा रहे थे, निगेटिवली चार्ज हो जा रहे थे, राइट? तो क्यों हो रहा था, क्योंकि हेयर लूज कर रहे थे अपने इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन जंप हेयर से कहाँ कर जा रहे थे, बैलून में। बैलून में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इसलिए वो निगेटिवली चार्ज हो जा रहा था। और इसी तरह बच्चों आपके क्या होते हैं, सारे के सारे हेयर्स क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, क्लॉथ्स इन ए ड्रायर, क्लॉथ जब हम ड्रायर में रखते हैं तो बच्चों एक दूसरे से वो क्या करते हैं, रब होते हैं। ओके, जब ड्रायर है ना, उनको क्या करता है, ड्राई करता है, तो क्या होता है, वो एक दूसरे से रब होते हैं, और उनमें भी क्या आ जाते हैं, चार्जेस आ जाते हैं, ऐसी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए वो क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, इसलिए वो एक साथ ही रहते हैं। आपने देखा होगा जब व्हेन वी यूज क्लॉथ इन ए ड्रायर। ओके, तो कुछ एक लिस्ट है बेटा, आप सबको ये नोट कर लेनी है। इसमें आपको एक लिस्ट दे रखी होगी जिसमें आपको रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट, कॉटन, फर, वूल, ग्लास और एसीटेट लिखा होगा आपको। ठीक है, इसमें से जो टॉप के हैं, जो आपके मटेरियल्स हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट्स, ये बच्चों इजिली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ये निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनकी कुछ बहुत अच्छी एफिनिटी होती है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है ना, क्या होती है इनकी पुलिंग पावर होती है, ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। जबकि क्या होते हैं, वूल्स, ग्लास, एसीटेट, ठीक है, ये इजिली क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो ये लिस्ट आप नोट कर लीजिए बच्चों, तो ये लिस्ट आपकी बहुत जगह एग्जाम में काम आएगी, क्योंकि आपको ये अगर ये पूरे लिस्ट मालूम होगी तो आप आराम से आंसर दे दोगे कौन सा मटेरियल पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा बाय फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? तो आओ कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं बच्चों, लेट्स चेक द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम आपको क्या दिख रहा होगा, दो मिनट, हाँ ये वाला देखो, यहाँ पर आपको एक बंदर दिख रहा होगा, राइट, और उसके सिर पे क्या है, दो बैलून टकरा रहे हैं। ओके, ब्लू कलर के बैलून हैं, दोनों के दोनों टकरा रहे हैं। जब वो टकरा रहे हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो दोनों के दोनों में क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज होंगे। दोनों के दोनों बैलून जब उसके सिर पे टकराएंगे तो क्या हो जाएंगे, निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। क्यों, बाय फ्रिक्शन। और वो क्यों निगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि हेयर्स क्या करेंगे, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, हेयर क्या करेंगे, लूज
इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब वो दोनों के दोनों बैलून जब निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, अगर वो आप सिर हटा दे अपना, देखो थर्ड फिगर में आपको क्या दिख रहा है, सिर हटा दिया उसने, ओके दूर कर दिया, अब वो दोनों बैलून एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे, कभी नजदीक नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे नजदीक? क्योंकि अब वो दोनों लाइक चार्जेस कैरी कर रहे हैं, पहले बैलून और दूसरे बैलून में भी क्या है, निगेटिव चार्जेस हैं। अब दोनों में निगेटिव चार्जेस हैं तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, रिपेल करते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से हमेशा दूर ही रहेंगे, कभी नजदीक नहीं आएंगे, ओके। लेकिन अगर हम वापस अपना सिर, वो बंदर अपना सिर नजदीक लाए किसके, बैलून के, तो वो बैलून उस पर चिपक जाएगा, किस पे, सिर पे। क्यों? सिर पे बाल हैं, बाल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हैं, और जबकि वो बैलून क्या है, निगेटिवली चार्ज है। तो ओके, तो वो अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन की वजह से क्या होंगे, निगेटिव चार्ज बैलून किसकी तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हियर की तरफ आ जाएगा। इसलिए आपको दिख रहा होगा फोर्थ फिगर में कि वो बैलून वापस किससे चिपक गया, उसके बालों से चिपक गया। इज इट क्लियर? तो ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। लेट्स चेक वन अदर एग्जाम्पल। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले लिस्ट बताई थी बेटा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो इमोनाइट रॉड मैंने बताई थी ना, इमोनाइट मटेरियल, वो एक्चुअली बेटा हार्ड रबड़ होता है। जब हम रबड़ में सल्फर डाल देते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। रबड़ नेचुरली जो मिलता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है, ओके। तो लेकिन जब हम उसमें सल्फर और बहुत सारे कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं तो हार्ड हो जाता है। तो ये इमोनाइट रॉड रबड़ होता है, बहुत हार्ड रबड़ होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो, आपको एक स्क्रीन पर दिख रही होगी, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर स्क्रीन पे, Could you see this? दिख रहा है ना बेटा आपको स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है आपको, एक एक रॉड दिख रही होगी, इबोनाइट रॉड, ओके। और वो उसको हम रब कर रहे हैं किससे, फर से, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में दिख रहा होगा आपको, एक फर क्लॉथ है, फर है ना, तो उससे हम रब कर रहे हैं। तो रब करने से क्या होगा, अब इबोनाइट रॉड की क्या खासियत होती है, ये इट हैज वेरी गुड एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन जब ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, और इस वजह से फर क्या हो जाएगा, जो क्लॉथ है ना, ब्राउन कलर का क्लॉथ, वो निगेटिवली, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जबकि इबोनाइट रॉड जो रबड़ की बनी हुई है, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, तो वो क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इज इट क्लियर? आ जाओ अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीचे देखो बेटा, आपको एक ब्लू कलर की रॉड दिख रही है, वो है ग्लास रॉड, ग्लास की, कांच की बनी हुई है, और एक आपको सिल्क का क्लॉथ नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा बेटा, यहां पर क्या है, सिल्क के क्लॉथ की एफिनिटी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के लिए, बहुत लव अट्रैक्शन है फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो जब हम ग्लास रॉड और सिल्क को रब करते हैं तो क्या होता है, सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, किससे, ग्लास रॉड से। और जब वो खींच लेता है तो इलेक्ट्रॉन, ग्लास रॉड, व्हाट इट डू, इट लूज द इलेक्ट्रॉन, ग्लास रॉड लूज द इलेक्ट्रॉन, एंड ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। राइट हैंड साइड में आपको देखो रेड कलर के पॉजिटिव चार्जेस नजर आएंगे, जबकि सिल्क क्या हो जाएगा आपका, सिल्क क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से जब भी हम रबिंग करते हैं तो क्या होता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एंड दिस इन दिस प्रोसेस वी कैन चार्ज द बोथ बॉडी। अब इसमें दोनों बॉडी में जो चार्ज आता है, एक में पॉजिटिव आता है, एक में निगेटिव आता है, तो इन इन चार्जेस को बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक चार्जेस, इन इन चार्जेस को बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, ओके। क्योंकि ये चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, रेस्ट में, अगर आप इन दोनों को ऐसे ही रखोगे तो रेस्ट में रहते हैं, है ना, ओके। और बहुत बार हमारे अंदर भी ऐसे चार्जेस आ जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा, हम मैं जैसे बाइक से चला बाइक चला के आ रहा होता हूँ या चल के आ रहा होता हूँ, अब वुलन क्लॉथ या कुछ इस तरह के क्लॉथ्स पहन रखे हैं मैंने, राइट। देखो मेरा क्या है, शूज क्या है, रबड़ सोल है, बैड कंडक्टर है, तो वो तो चार्जेस को नीचे ट्रांसफर नहीं होगा। अब मैं बाइक चला के आ रहा हूँ तो हवा से क्या आता है, हवा हवा के साथ एयर ड्रैग होता है ना, फ्रिक्शन होता है, तो मेरे वुलन क्लॉथ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चार्जेस डेवलप हो जाते हैं एयर की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है ना। अब मेरे बॉडी में बहुत सारा चार्ज स्टोर हो जाता है। अब मैं किसी, अगर सपोज दरवाजे को छूता हूँ या किसी स्टील है ना चेयर को या स्टील है ना बेंच को टच करता हूँ, तो उसी टाइम पे एक एक शॉक लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि मेरी बॉडी से चार्जेस या तो है ना सीधा जंप करके कहाँ जाते हैं, स्टील में जाते हैं, ओके। तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है कई बार, तो ऐसे भी होता है। आपने एक बचपन में एक मैजिक चेयर वाला आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, अक्सर अपने छोटे भाई बहनों को अपने चेयर पर बैठाया होगा और उसको प्लास्टिक की चेयर में बैठाया होगा, स्टील की चेयर में नहीं, प्लास्टिक की चेयर में बैठाया होगा, और उसको टॉवल से आपने मारा होगा, है ना, और आपने क्या किया होगा, उसके बाद बोला होगा अब मुझे छू, तो उसको झटका लगता है, या किसी स्टील की बर्तन को छू तो उसको झटका लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जब आप उसको टॉवल से मारते हो बच्चों, टॉवल से मारने पे क्या होता है, मैंने आपको एक लिस्ट अभी कुछ देर पहले बताई थी, टॉवल किसका बना होता है, वूल का बना होता है। अब वूल क्या करता है, पॉजिटिव हो जाता है, मतलब जब आप टॉवल से मार रहे हो तो वो वूलन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वूलन क्लॉथ है ना, है ना, टॉवल किसका होता है, वूल का बना होता है।
और पॉजिटिव जगह मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले जाते हैं, उस आपके छोटे भाई के बॉडी में चले जाते हैं। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसकी बॉडी, जितनी बार आप उसको हिट करोगे उतनी बार टॉवल से वो इलेक्ट्रॉन उसकी बॉडी पे स्टोर। अब वो प्लास्टिक बॉडी में बैठा हुआ है तो वो अर्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर। ओके, अब आप उसको किसी भी चीज कंडक्टिंग चीज को छूने को बोलोगे तो उसको शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी दौरान उसकी बॉडी से जंप करके उस कंडक्टिंग बॉडी में जाएंगे तो उस दौरान क्या लगता है, एक हल्का सा शॉक लगता है। आपने ये मैजिक चेयर वाला एक्सपेरिमेंट सबने किया होगा आई थिंक बचपन में, आप आज दोबारा भी कर सकते हैं अगर आप प्लास्टिक की बॉडी में किसी को भी, आप जरूर नहीं एक बच्चे को बैठाओ, बड़े को भी बैठाओगे तो ये एक्सपेरिमेंट आप रिपीट कर सकते हो। तो व्हाट वी हैव डन हियर, वी डेवलप द चार्जेस बाय फ्रिक्शन। ओके, यहां पर भी जब हम उसको टॉवल से मार रहे थे बच्चे को, बेबी को या अपने, है ना, किसी भी एडल्ट को, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन को वूलन क्लॉथ से किसमें, आपकी बॉडी पे। इज इट क्लियर? तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन। ओके, एक और चार्ज, एक और मेथड होता है बेटा जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है आपका, कि हम एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं और एक चार्ज बॉडी लेते हैं, जब दोनों को टच करते हैं, ओके, दोनों को इन कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो जो चार्ज बॉडी होती है वो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर देती है। अब देखो यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा यहां पर क्या है आपका न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी है, दिख रहा है ना, फर्स्ट एक है ना स्पेरिकल बॉल दिख रही होगी आपको, वो न्यूट्रल बॉडी है। अब हम एक रॉड लाए जो निगेटिवली चार्ज थी, जैसे हमने उस रॉड को न्यूट्रल बॉडी के साथ टच किया तो अब क्या हो गया, अब वो हटा दिया, टच करने के बाद हटा दिया तो सारे निगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो कर गए, रॉड से किसमें फ्लो कर गए, न्यूट्रल बॉडी में फ्लो कर गए। अब वो न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी हो गई है, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई है। तो जब भी हम किसी दो चीज को टच करते हैं, ओके, टच करते हैं केवल, और उससे दूसरी बॉडी चार्ज हो जाती है तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इज इट क्लियर? कुछ और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। यहां पर देखो एक और न्यूट्रल बॉडी है, स्फेरिकल बॉल है ना आपका कंडक्टर है, और लेफ्ट साइड में क्या है, एक चार्ज बॉडी है। अभी जैसे ही हमने उसको चार्ज किया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे राइट हैंड साइड में और वो न्यूट्रल बॉडी क्या हो जाएगी, फुली चार्ज हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो अभी जैसे हमने प्रीवियस केस में जो है वैसे ही इस केस में भी हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन जंप कर गए है ना, और इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने किस तरह से मूव करे, बाय कंडक्शन मेथड से। जब ये दो सरफेस न्यूट्रल और अनचार्ज बॉडी एक दूसरे के क्लोज टच में आते हैं तो जो अनचार्ज बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन ले लेती है किससे, चार्ज बॉडी से। ओके, और इस तरह से खुद भी चार्ज हो जाती है। यहाँ पर देखो स्फेरिकल चार्ज बॉडी ने इलेक्ट्रॉन किससे लिए, चार्ज बॉडी से, और वो खुद चार्ज हो गई है। ओके, इज इट क्लियर? तो आइए बच्चों अब आइंस्टीन बेबी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये सच में आइंस्टीन बेबी है, आप लिखिएगा, ठीक है? एक्चुअली बच्चों इसके जो लुक है, इसके बाल हैं, बालों को देख के ऐसा लगेगा कि ये इसके बाल भी क्या है, बिल्कुल आइंस्टीन की तरह। आइंस्टीन के बाल भी क्या रहते थे, बिल्कुल खड़े रहते थे, राइट? तो क्या इसके बाल सच में आइंस्टीन से, आइंस्टीन की वजह से खड़े हैं? नहीं, एक्चुअली ये यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये क्या है, एक स्लाइडर है। अगर आपने पार्क में गए होंगे कई बार, राइट, पार्क में गए होंगे तो वो स्लाइडर्स होते हैं ना, तो जिसमें आप स्लाइड करते हो, राइट? तो यहां पर एक प्लास्टिक स्लाइडर है, आपको दिख रहा होगा बेबी स्लाइड करते हुए आ रहा है। हुआ क्या है, वो प्लास्टिक बॉडी में स्लाइड करते हुए आ रहा है। अब मैंने आपको बताया है कि, आपको क्या बताया मैंने, कि जब भी हम ऊपर देखो, सबसे लिस्ट में सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, प्लास्टिक दिख रहा है तो ये क्या करता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। इज इट क्लियर? सबसे ऊपर है। तो आ जाओ बच्चों वापस इस फिगर में। तो अब देखो ये आपकी जो जिसपे स्लाइड कर रहा है वो प्लास्टिक का बना हुआ है स्लाइडर। ओके, जब वो स्लाइड कर रहा है तो स्लाइड करते वक्त फ्रिक्शन होगा, है ना, बेबी का किससे फ्रिक्शन होगा, स्लाइडर से। अब क्या होगा, वो स्लाइडर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा बेबी से। अब बेबी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो सारे बालों में क्या पहुंच जाएगा, कहीं से भी पॉजिटिव चार्ज आए तो वो बालों तक पहुंच जाएगा। अब बाल क्या हो जाएंगे, सब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज, पहले तो बाल यूं थे ना, उसके सारे सारे के सारे बाल कैसे थे, सपोज ये 10 बाल हैं, 10 के 10 बाल एक दूसरे से चिपके हुए थे, राइट, है ना। लेकिन जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल इच अदर, तो सब के सब क्या हो जाएंगे, इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे। इज इट क्लियर? इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा बालों में, वो क्या हो जाएंगे, सबके सब दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, तो वो इस वजह से उसके बाल खड़े हो गए। ओके, क्योंकि सब क्या है, लाइकली चार्ज है। ओके, कोई मैजिक नहीं हुआ यहां पर, क्या हुआ आपका, फिजिक्स का एक फिनोमना है। ओके, फिजिकल फिनोमना है जिसके वजह से क्या है, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके वजह से, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूं।
इस वजह से हम हमारे यहाँ पर बेबी के बाल क्या हो गए, खड़े हो गए। ओके, एक और एग्जांपल बता देता हूँ बेटा आपको। मॉर्निंग में आपने देखा होगा आप ड्रेसिंग करते हो आफ्टर बाथ, राइट? तो आप अक्सर क्या करते हो, बाल को जिस डायरेक्शन में सेट करोगे उसी डायरेक्शन में पूरे दिन भर रहेंगे सेट। क्यों रहेंगे? क्योंकि आपने प्लास्टिक कॉम्ब का इस्तेमाल किया है। प्लास्टिक कॉम्ब से जब आप रब करते हो ना बेटा, तो सारे के सारे बाल क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सब में एक जैसा चार्ज आ जाता है बालों में, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं। सेट इसलिए होते हैं क्योंकि सब में क्या होता है, एक ही चार्ज होता है, तो वो सब क्या होते हैं, बैलेंस फोर्स के अंडर में एक डायरेक्शन में। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में अपनी मांग रखना चाह रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हो, राइट हैंड साइड में, या ऊपर उठाना चाह रहे हो बालों को वैसे रख सकते हो। क्यों? क्योंकि सब में सेम चार्जेस आ जाते हैं। इज इट क्लियर? तो प्लास्टिक कॉम का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक कॉम क्या करती है, मैंने अभी बताया, प्लास्टिक कॉम इलेक्ट्रॉन को खींच लेते ही, प्लास्टिक क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। इस वजह से आपके हेयर्स में सब पूरे के आ जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। और अब आप जिस डायरेक्शन में सेट करोगे हेयर्स को, उसी डायरेक्शन में, चाहे आप ऊपर खड़ा करोगे, साइड में करोगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, उस डायरेक्शन में दिन भर रहेंगे आपके, एक बार आपने सेट कर दिए, क्योंकि आपने प्लास्टिक कॉम्ब का इस्तेमाल किया है। ओके, आ जाओ यहां पर बच्चों, एक और तरीका होता है चार्जिंग का, जिसको बोलते हैं बाय इंडक्शन मैथड। ओके, अब इंडक्शन मैथड में क्या होता है, देखो बेटा, इंडक्शन मेथड में आप टच नहीं करते। अभी तक जो हमने मेथड्स पढ़ाए उसमें हमने दो चीजों को टच कर रहे थे, अब हम टच नहीं करेंगे किसी भी दो चीज को, बिना टच किए सामने वाली चीज को चार्ज कर देंगे। ओके, और इस तरह से क्या होता है, सामने वाला चार्ज हो जाता है। और इसमें चार्ज किस तरह से होता है, पोलराइजेशन मेथड से होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो आपने क्या किया बेटा, देखो यहां पर आपकी फर्स्ट बॉल है, लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉल दिख रही होगी जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसने राइट हैंड साइड वाले को पोलराइजेशन से क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया, और फिर रॉड क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज। ये सब क्यों हो रहा है आइए जानते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर हो क्या रहा है, देखो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने एक वूलन क्लॉथ लिया, उसको रब किया, कहां पर, एक आपको बैलून दिख रहा होगा, उसको हमने वूलन क्लॉथ में रब किया, तो उसने क्या किया, बैलून प्लास्टिक का होता है ना, पॉलीमर है, सॉरी, रबड़ का होता है, तो वो क्या करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, किससे, वूलन क्लॉथ से। अब वूलन क्लॉथ तो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और वो क्या, खुद क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अब वो जैसे ही ये रब करने के बाद नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, देखो जब लेफ्ट हैंड साइड में जब बैलून था वॉल के नजदीक, तो वो न्यूट्रल था, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था वॉल पे। जैसे ही हमने अब उसको लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने उसको रब किया, तो उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, किससे, वूलन क्लॉथ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे अब वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, अब नेगेटिवली चार्ज जैसे ही हो गया बेटा, अब उस नेगेटिव चार्ज बैलून को अगर मैं वॉल के नजदीक लाऊंगा, तो पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन में क्या होता है, देखो कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको दूर धकेल देगा। देखो दिख रहे हैं आपको राइट हैंड साइड में ब्लू ब्लू डॉट्स ज्यादा आपको राइट हैंड साइड जाते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि जितने, क्योंकि बैलून क्या, नेगेटिवली चार्ज है, बैलून नेगेटिवली चार्ज है, तो वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन जब राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, तो वो लेफ्ट हैंड साइड स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगी कंपैरिजन टू द राइट साइड। और इस फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों पोलराइजेशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, और इस तरह की बिहेवियर अक्सर डायलैक्ट्रिक एलिमेंट शो करते हैं। ठीक है, जो मटेरियल इसको शो करता है उसको डायलैक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, और पोलराइजेशन इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। ओके, अच्छा, किसी भी चीज को बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरे हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, ये 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 आपका चार्ज है अनचार्ज है, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो हमें, हमारे पास एक डिवाइस होना चाहिए जो ये बताए कि ये बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। जो एक ऐसा डिवाइस है जो हमें बता देता है कि ये बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, कौन, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्कोप, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है बेटा, ये देखो उसके टॉप में क्या होता है, एक मेटेलिक डिस्क होती है, बीच में कॉर्क होता है, फिर कॉपर वायर होती है, फिर नीचे एल्युमिनियम फॉइल होती है। एल्युमिनियम फॉइल इस तरह से ओपन होती रहती है बेटा, ठीक है ना, इस तरह की एक नीचे देखो एल्युमिनियम फॉइल देखेगी, जो जब कोई चार्ज नहीं होता तो यू में होती है, जैसे चार्जेस पहुंचते हैं तो ओपन हो जाती है। ओके, तो बॉटम पे देखो आपको एल्युमिनियम फॉइल दिखेगी, अगर कोई चार्ज नहीं है तो यू में क्लोज रहेगी, और जैसे चार्ज पहुंचेंगे तो ओपन हो जाएगी। ओके, तो ये एक पूरी कनेक्टेड सीरीज होती है, ऊपर से मेटेलिक डिस्क में अगर अगर कोई चार्ज आया तो कॉपर वायर से वो चार्ज नीचे जाएगा कॉपर वायर में, और किस में फैल जाएगा, एल्युमिनियम में, और एल्युमिनियम में सेम चार्जेस आते हैं तो वो दूर हो जाती हैं, एक जैसे ही सेम चार्जेस पहुंचेंगे तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, तो तुरंत क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि ऊपर से सपोज पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज दोनों फॉइल में पहुंचेंगे, तो दोनों ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, जब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ओके, तो आओ एक एग्जांपल चेक करते हैं। देखो यहां पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है,
और हमारे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्कोप है एक, वो आपको दिख रहा होगा, एक इलेक्ट्रोस्कोप है। अब मैं जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को देखो, एल्युमिनियम फॉयल नीचे यू में क्लोज है, एक दूसरे के बिल्कुल यू में, ठीक है ना, दूर नहीं गई है, बॉटम पे आपको नजर आ रहा होगा। तो बच्चों जैसे ही हम इसको हम टच करेंगे, हमने इसको टच किया तो क्या होगा, कंडक्शन मेथड से क्या होगा, चार्जेस डेवलप होंगे। ओके ओके सॉरी, यहां पर कंडक्शन मेथड नहीं है, यहां पर क्या है आपका, यहां पर कौन से मेथड से, देखो हमने टच नहीं किया, हमने टच नहीं किया, तो यहां पर क्या, बिना टच किए, अभी मैंने रॉड को टच किया, रॉड नहीं किया, तो बिना टच किए अगर कोई चार्ज डेवलप होता है सामने वाले में, तो क्या है, पोलराइजेशन की वजह से होता है। तो जब भी हम पॉजिटिव चार्ज नजदीक ले जाते हैं तो निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और जब निगेटिव चार्ज ले जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइम पे हम पॉजिटिव रोड नजदीक लाए तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा, उसमें आपके इलेक्ट्रोस्कोप के टॉप में निगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे, और ये हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में होता है, ठीक है। अब देखो निगेटिव चार्ज ऊपर डेवलप हो गए तो नीचे की तरफ क्या डेवलप होंगे, उतने ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। क्यों हुआ, पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन देखो, जब भी पॉजिटिव चार्ज नजदीक होता है तो क्या होता है बेटा, सेपरेशन हो जाता है चार्जेस का, ठीक है। तो देखो ऊपर की तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए, निगेटिव चार्जेस डेवलप होगा, नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्जेस। अब ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही नीचे जाएंगे तो क्या होगा, है ना, अब दोनों एल्युमिनियम फॉइल में सेम चार्जेस आएंगे, तो अब वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ओके अब वो क्या हो जाएगी बेटा, आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह से। और जब भी ये ओपन होती है तो मतलब क्या है, चार्जेस प्रेजेंट है। ये रॉड क्या है, इट इज ए चार्ज्ड बॉडी। ओके तो इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट द चार्ज इन प्रेजेंट इन एनी बॉडी। ओके यहां पर हमने बिना टच किए भी हमने क्या पता कर लिया, कि क्या पता कर लिया, कि ये बॉडी चार्ज्ड है, क्योंकि इसने पोलराइजेशन किया है इलेक्ट्रोस्कोप में। हम बाय कंडक्शन मेथड टच करके भी हम पता कर सकते हैं, ओके और बिना टच किए भी पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से कि सामने वाली बॉडी क्या है, चार्ज है या अनचार्ज है। इज इट क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप।